हेलो एंड वेलकम टू फॉर एग्जाम 24/7। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा का एडमिट कार्ड जल्दी जारी किया जाने वाला है और इसी से संबंधित जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे कि एडमिट कार्ड कब आएगा, कब से कब के बीच में परीक्षा होगी और कितने फेज में लगभग परीक्षा आयोजित की जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आने वाली सभी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जानकारी हम इस चैनल पर आपको देते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का आयोजन जल्दी करेगा। ऑफिशियल शेड्यूल के मुताबिक अप्रैल से जून महीने के बीच में लगभग अप्रैल मई जून तीन महीने में लगभग इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल रेलवे NTPC छठे एग्जाम फेज का एग्जाम चल रहा है। छठे फेज में 8 अप्रैल तक चलेगा, लेकिन कुछ सोर्सेस से ये भी पता चला है कि इस फेज में 17 और 18 अप्रैल को भी कुछ पेपर होने हैं जो पीछे छूट गए थे। किसी वजह से कुछ पेपर कैंसिल हुए हैं तो उनका पेपर भी 17 या 18 को होगा। तो आधे अप्रैल या लास्ट अप्रैल तक अप्रैल में पेपर स्टार्ट हो जाएगा ग्रुप डी का। और परीक्षा की डेट से संबंधित जानकारी RRB अपने वेबसाइट पर जारी करेगा। इस महीने ग्रुप डी की परीक्षा की तारीख आ सकती है 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए। ये कई फेज में एग्जाम कराएगा, जैसा कि NTPC में एग्जाम हुआ है तो लगभग 5 या 4 फेज में एग्जाम जरूर होगा। 5 फेज मैक्सिमम एग्जाम होना चाहिए वैसे, इस हिसाब से कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे हैं। रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तारीख जारी होने का शेड्यूल RRB के वेबसाइट पर आपको जरूर मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इसकी जानकारी देख सकते हैं। और जैसे ही कोई अपडेट आती है आपके अपने चैनल पर भी इसकी जानकारी देंगे वीडियो के माध्यम से। रेलवे की हर परीक्षा की तरह ग्रुप डी की परीक्षा में भी 4 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। उम्मीदवार जो होगा तो रीजनल वेबसाइट RRB की वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा मिल जाएगी। वहां पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर अपना लॉगिन करना होगा, फिर वहां से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये एडमिट कार्ड से संबंधित जानकारी और एडमिट कार्ड कितने स्टेप में कैसे करना होगा एक ब्रीफ में हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना होगा। एडमिट कार्ड के लिए कोई लिंक वहाँ पर जरूर दिया होगा, उस लिंक पर क्लिक करना होगा कि यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। ब्लू लिंक पर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि अपनी डालकर उसकी मदद से आप लॉगिन करेंगे, आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे, फिर उसके बाद उसका प्रिंट ले लेंगे। तो इस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे आसानी से। और रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा का एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या होगा, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा का एग्जाम पैटर्न जो होगा 100 सवाल पूछे जाएंगे, CBT बेस्ड होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी, 3 गलत पे 1 अंक काटा जाएगा, 3 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 90 मिनट की परीक्षा होगी। जैसा कि NTPC में 90 मिनट की परीक्षा हो रही थी उसी तरह ये भी 90 मिनट की परीक्षा ली जाएगी। एग्जाम में लगभग किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। मैथमेटिक्स से 25 सवाल, 4 पोर्शन होता है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 30 सवाल, जनरल साइंस से 25 सवाल और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20 सवाल पूछे जाएंगे और 100 सवाल होंगे। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इस एग्जाम के लिए। ये जानकारी रेलवे ग्रुप डी के एडमिट कार्ड से संबंधित थी। इसका एडमिट कार्ड जैसे ही जारी हो जाता है, जैसे ही कोई न्यूज़ आती है, वीडियो के माध्यम से आपको हम चैनल पर जानकारी जरूर देंगे। आने वाली और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।